First aid means the help that is provided to anyone who is suffering from disease, damage, or an injury. Globally, हर साल road traffic accidents में 1.3 million से अधिक लोग मारे जाते हैं. लेकिन इनमें से majority deaths low और middle incomes countries में होती हैं और इनमें से 17% deaths अकेले India में होती हैं. इसका मतलब है इंडिया में हर साल लगभग 1,50,000 लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं. द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज IFRC ने 2000 में वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की शुरुआत की थी. वर्ल्ड फर्स्ट एड डे हर साल सितंबर के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है. इस साल ये 11 सितंबर को है. इस साल का थीम फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी है. इसका मेन एम अवेयरनेस फैलाना है कि कैसे फर्स्ट एड इंजरीज को रोक सकती है और हर दिन क्राइसिस सिचुएशन में लोगों की जान बचा सकती है. मेडी सर्कल में हम वर्ल्ड फर्स्ट एड डे सीरीज का आयोजन कर रहे हैं और जिसमें लोगों को फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज और अवेयरनेस हो सके सो दैट अ लाइफ इज सेव्ड. सो हेलो, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर निशा पारिक जी से. डॉक्टर निशा पारिक मुंबई में एक इमरजेंसी मेडिसिन फैमिली फिजिशियन और जनरल फिजिशियन हैं और उन्हें इस सेक्टर में 20 साल का एक्सपीरियंस है. डॉक्टर निशा पारिक मुंबई में डॉक्टर निशास क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हैं. डॉक्टर निशा पारिक ने नायर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज NHDC मुंबई से MBBS पूरा किया. उन्होंने वेरियस प्रेस्टीजियस हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में काम भी किया है. इन्हीं में से एक है जसलोक हॉस्पिटल. हम स्वागत करते हैं आज डॉक्टर निशा पारिक का मेडी सर्कल के साथ मिलकर. वेलकम टू मेडी सर्कल डॉक्टर निशा पारिक. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और जिन लोगों को डॉक्टर निशा पारिक से और भी बातें जानने की उत्सुकता है मैं चाहूंगी कि वो हमें लाइक फॉलो शेयर और सब्सक्राइब करें मेडी सर्कल पे. तो मेरा पहला प्रश्न आपसे है डॉक्टर कि फर्स्ट एड क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कुछ इसके बारे में बताइए. जी बिल्कुल. फर्स्ट एड बेसिकली एज इट सेज यू नो फर्स्ट एड ऐसी चीज है जो मतलब जैसे इमरजेंसी आ गई. जैसे अभी कोई बर्न हुआ यू नो कोई जल हाथ जैसे तेल की चीटे पड़े अपने ऊपर राइट. तो हमें क्या करना है पेशेंट्स को नहीं मालूम रहता है. दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें सिंपल चीजें करनी चाहिए लाइक यू नो सिर्फ जो नॉर्मल टैप वाटर है उसे 5 to 10 minutes हाथ अपना रनिंग टैप वाटर के नीचे ठंडा ना गर्म ठंडा अगेन इज मेकिंग हीट. तो हमें नॉर्मल टैप वाटर रनिंग वाटर पे अपना हाथ रखना चाहिए. तो फर्स्ट एड ऐसी चीजें है जो हमें क्योंकि कभी भी हुआ तो हम टेंशन में आ जाते. टेंशन न लेते हुए अगर हमें थोड़ी थोड़ी बारीकियां मालूम हो जैसे मैंने अभी बर्न्स का बताया कि जल गया हाथ है तेल की छींटे पड़े या गर्म चाय गिरती बच्चे पे गिरती. डरना नहीं है उस टाइम पे हमें नॉर्मल रनिंग वाटर पे वो पार्ट जो भी हो उसको रखना है. तो वो इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि उस टाइम पे जब तक हम डॉक्टर के पास जाए हमें वो हमारी बॉडी को डैमेज ना हो राइट. दैट्स व्हाई अभी जैसे गिर गए फ्रैक्चर हो गया तो हमें वो हाथ हिलाना नहीं इमोबिलाइज करना है. तो फर्स्ट एड बहुत इम्पोर्टेंट है. मतलब डॉक्टर को वो चांस देता है कि मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं. अगर उन्हें थोड़ी सी काम पहले से कुछ करते हैं तैयारी तो मदद मिलती है तैयारी करते सही मदद. जी बिल्कुल जी बिल्कुल. फर्स्ट एड बहुत इम्पोर्टेंट है. वेरी वेरी क्रूशियल. टाइम अब इंडिया की ट्रैफिक जो हम देखते हैं जैसे बहुत डिले होते हैं. तो अगर हम फर्स्ट एड की मेडिसिन अगर फर्स्ट एड जानकारी करे लेके रखे तो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट. पैनिक नहीं होगा पेशेंट एक्साइटेड नहीं होगा डरेगा नहीं. बुजुर्ग है वो टेंशन में नहीं आएंगे. मीन देयर आर लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इट क्योंकि हमने फर्स्ट एड का बहुत सारे सेमिनार्स करे हुए तो उसमें इतना इम्पोर्टेंट है. जैसे बर्न इलेक्ट्रिक शॉक हुआ तो पहला फर्स्ट पॉइंट कॉन्टेक्ट क्या करना चाहिए आमतौर पे हर रोजमर्रा के दिन में जो चीजें होती हैं फर्स्ट एड उसी पे फोकस करता है. हाथ कट गया क्या करना है हाथ कट गया क्या करना है जी बिल्कुल. जो आदमी तो जस्ट कोई भी साफ कपड़े से वो जो खून जहाँ से बहता है हाथ ऊपर करके क्योंकि एंटी ग्रेविटी करना है ग्रेविटी से और खून बहेगा. तो हाथ लिम्ब एलिवेशन करना है और उसको टाइट कॉम्प्रेस ड्रेसिंग देना है. दैट्स इट. एंड देन यू रीच आउट टू द डॉक्टर. सो फर्स्ट एड इज वेरी
यूजली क्या होता है, पीपल पैनिक, पैनिक में और मेस करते, यू अंडरस्टैंड। इस पब्लिक को ये पता रहे कि यू नो क्या करना है उस पॉइंट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा दिमाग भी चले ऑर्गेनाइज वे में, यू कैन रीच टू द हॉस्पिटल और द क्लिनिक और द पॉलीक्लिनिक, कॉल अ डॉक्टर, डू टेली मेडिसिन, देयर आर मेनी थिंग्स, बट फर्स्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंसान वही बौखला जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और मेस करता है, यू नो, यू अंडरस्टैंड। यू हैव टू नो दिस स्मॉल थिंग्स। जी डॉक्टर, प्लीज कंटिन्यू, आप कुछ कह रही थी। नहीं बस वही है, सो फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, आई होप आई हैव आंसर्ड इट इन द राइट वे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न था कि फर्स्ट एड का कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर हैं तो क्या हैं वो? व्हेन यू आस्क मी प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स मतलब कि फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए घर पे जी, फर्स्ट एड में बैंडेज होनी चाहिए, एक एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट होना चाहिए, फिंगर्स होनी चाहिए, राइट, ग्लव्स होना चाहिए, पेयर ऑफ ग्लव्स, डेटॉल होना चाहिए, सेवलॉन जी, एंटीसेप्टिक, लिटाडीन सॉल्यूशन, वेरी बेसिक, बैंडेज होनी चाहिए, राइट। ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई कट गया, लग गया, उस टाइम पे क्लीन कपड़ा जब हम कहते हैं, इट्स नॉट अ नैपकिन और अ हैंकी की वो यूज करा हुआ है वॉशिंग मशीन में 10 कपड़ों के साथ आया है, वो इंफेक्शन करेंगे। फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड थिंग हैज टू हैव बेसिक चीजें, लाइक यू नो देयर आर सेट ऑफ इट, लाइक माइक्रोकोर टेप है, बुखार चढ़ गया रात को 3 बजे 2 बजे, अब जाओगे केमिस्ट के पास, तो फर्स्ट एड में एक बॉक्स बना ले अगर यदि फैमिली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको कैसे यूज करना है थोड़ा सा अगर हम उनको हाईलाइट कर पाए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुगर कम हो गया, एल्डरलीज रहते, ज्यादा इंसुलिन डोज हो गया, खाना नहीं खाया, इंसुलिन दे दिया, पता नहीं चला, डॉक्टर ने समझा नहीं चीज, या पेशेंट समझा नहीं, व्हाटएवर, वाइसी वर्क आई, बोथ वे, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आइस पैक रखना है फ्रिज में, स्मॉल आइस जेट पैक रहते हैं, यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एड अगर आप पूछे तो it is so important na ki it really helps a doctor to matlab patient ki bhi care hoti hai, relatives, see, it's a holistic approach na, agar aap theek ho, aapke paas first aid hai, parents hai, children hai, kisko bhi lag sakti hai na, and vice versa, unka bhi tension kam hota hai, especially senior citizens, unka volume aur bacche ka volume, agar diarrhea, loose motions hua to immediately intravascular contraction bahut jaldi se ho gaya, they can go into sudden shock, so us time pe electrol sachets काफी चीजों को फर्स्ट एड बॉक्स में जो होनी चाहिए आपने बताया, लेकिन ये बेसिक फर्स्ट एड प्रोसीजर्स क्या है, कुछ ये जो बेसिक चीजें हैं जिन्हें दिमाग में रख करके हमें काम करना चाहिए उनके बारे में कुछ बता। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मान लो कि सिर पटक दिया, यू नो योर हेड, हमारा हेड ऑन कोलिजन हो गया, जैसे लग गया, सिर पे लग गया मार, राइट, तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, व्हाट योर क्वेश्चन है, बेसिक फर्स्ट एड प्रोसीजर्स, सम सर्टेन बेसिक प्रोसीजर्स दैट वी शुड फॉलो, like आपने एक मेंशन किया था ना कि हाथ को आइस या गर्म से सिकाई ना करके साधारण पानी में, कुछ बेसिक सादा पानी से, सबसे पहले उसे कैसे प्रिवेंट करें, लाइक व्हाट टू डू, रनिंग वाटर में पानी में, जैसे अगर अगर राइट, अगर जैसे कोई भी पार्ट पे जैसे चाय गिर गई है, राइट, जी जी, या ऑयल के छींटे है, हमें सिर्फ नॉर्मल टैप वाटर में, बिकॉज वॉटर हैज H2O, इट हैज ऑक्सीजन, एक बार जो बर्न हुआ, एक बार जो उसको ऑक्सीजन चाहिए फॉर हीलिंग, तो हमें सिंपल टैप वॉटर में अपने दैट पार्ट को 10 to 15 minutes, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं अक्सर 5 मिनट करेंगे, हाँ हो गया हो गया, फिर बर्नॉल लगाएंगे, कोलगेट, हमें कोलगेट बर्नॉल नहीं लगाना है, वो परत जमाएगा और ऑक्सीजन को, जो हवा में भी ऑक्सीजन है या पानी में ऑक्सीजन है, उसको प्रिवेंट करेगा, ये अच्छा इफेक्ट आने के। Healing. Okay. We do not have to put any cream, any Colgate, any haldi or anything like that. People have this. We don't have to do 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 this.
सिंपल रनिंग टैप वाटर फॉर 10 to 15 minutes, दिस इज फॉर बर्न. राइट, ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी नॉर्मल बर्न, ज्यादा है तो हॉस्पिटल जाना है, वी ऑल नो. सेकंड आई वुड टॉक अबाउट, सेकंड आई वुड टॉक अबाउट कि कट गया हाथ. मैम यू वुड नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ. हां, सीधा हमें उस टाइम पे क्या करना है, सीधा यू नो लोग हल्दी डालते हैं या ये करते हैं, बट दैट्स व्हाई व्हेन आई सेड फर्स्ट एड बॉक्स में अगर हम बीटाडीन रखेंगे, राइट, या बीटाडीन सजेशन रखेंगे, गॉस्पीज रखेंगे साथ, जस्ट टेक डेटॉल सेवलॉन गॉस्पीज पे डाल के इमिजिएटली उस एरिया को साफ करें. साफ करने के बाद सीबैक ऑइंटमेंट से उसको ड्रेसिंग करके एक माइक्रोपोर लगा, राइट. So these are things, small things which are not very मतलब कोई बड़ी बात नहीं. इसके के लिए लोग पॉलीक्लिनिक भाग के ब्लीडिंग होते रहता है, ऐसा नहीं. अपने हमें हैंड ऊपर रखना है एंड क्लीन करना है वो ड्रेसिंग, या रनिंग टैप वाटर में भी वो ब्लड को जाने दो जो भी है, और इंजेक्शन पीटी लेना है इन अ प्लान में. ये हो गया अगर कट गया, क्योंकि यूजली छुरी उससे भी फास्ट एक्टिंग क्या होगा, नॉर्मल टैप इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो टेक टू बोल्स, दो बोल्स साफ, उसमें दो साफ नैपकिन रख दीजिए एंड नॉर्मल टैप वाटर. अक्सर मैंने देखा है व्हेन आई टॉक टू माय पेशेंट्स, वो लोग ठंडा पानी कैसे करते हैं, कोल्ड इज लेटेंट हीट अगेन. नॉर्मल टैप वाटर पे आप पट्टी रखिए, यू नो, सो यू हैव टू जस्ट पुट द पट्टी, तो टेम्परेचर अपने आप चढ़ेगा नहीं, 103 से 102 101 आ जाएगा, एंड देन व्हेन यू गिव क्लोसिन सिरप फ्रॉम टैबलेट फॉर्म, इट एक्ट्स एंड गेट्स द टेम्परेचर नॉर्मल. राइट, ये सारी इम्पोर्टेंट बारीकियां हैं जो लोगों को, पेशेंट बेचारे को नहीं मालूम, नहीं पता होती है. मस्ट स्प्रेड अवेयरनेस, we must spread awareness like that. Because बोले कि हमने तो ठंडा पानी लिया, हमने गर्म ले लिया, so both are extreme. Both are wrong, right? Right, both are wrong. You understand? अच्छा, एक और common हम लोग देखते हैं road accident में, मान लीजिए कटे छिले की बात नहीं कर रही हूँ, मान लीजिए कोई injury ऐसी हुई है जिसमें लग रहा है कि हड्डी टूट गई है या कट गई है, उंगली अलग हो जाती है कई लोगों की, कुछ ऐसा कुछ अगर ऐसा होता है, तो ऐसे केस में सबसे पहले क्या भाग के हमें करना चाहिए, लाइक व्हाट प्रिकॉशन शुड बी इमीडिएटली टेकन. फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां भी साइट ऑफ एक्सीडेंट हुआ, जो भी इंजरी है, जैसे अभी साइट, एक तो एक्सीडेंट साइट से सेपरेट होना है, ऐसा नहीं की गाड़ी बीच में है, हमें उसको अपनी सेफ्टी और जो बाकी की इंजरी करके साइड में आना है, राइट. बिल्कुल, या कॉल पीपल एंड टेल देम कॉर्डन द एरिया, यस, वे यू जस्ट कॉर्डन दैट एरिया कि कोई आर्टिकल से टूटे नहीं, राइट. राइट, राइट, सो दैट इज वन सेफ्टी. आफ्टर दैट, मान लो फ्रैक्चर हुआ तो इमीडिएटली हमें इतना तो आइडिया आ जाता है कि फ्रैक्चर कहाँ, किस जॉइंट से हुआ है. तो अगर कई बार होता है कि हड्डी बाहर आ जाती है, राइट, कई बार होता है कि टू वुंड्स, ओपन वुंड एंड क्लोज वुंड. क्लोज वुंड है तो हमें अंदाजे से अंदाजन पता चलता है कि चलो यहाँ फ्रैक्चर है, तो उस टाइम पे उस जॉइंट को बिल्कुल नहीं हिलाना. ओके, हमारे पास वो स्प्लिंट नहीं होगा, बिकॉज इट्स यूजुअली इन द हॉस्पिटल यू कांट मेक, हम स्प्लिंट बना भी नहीं सकते. स्प्लिंट इज समथिंग कि हम उस जॉइंट को स्टेबलाइज कर सकते हैं, मतलब न हिले वैसा कर सकते हैं, बट ऑन साइड पे ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट हैपेंस इज कि हम हमें उसको बिल्कुल हिलाना नहीं, उस पार्ट को, और न हिलाते हुए सपोर्ट लेकर हॉस्पिटल जाना है. वहाँ फिर एक्सरे होगा, पेन किलर्स देंगे, इंजेक्शन होगा, यू नो ऑल दैट. फॉर द अप्रोच इमरजेंसी डॉक्टर्स इमीडिएटली, हाँ, इमरजेंसी डॉक्टर्स ऑन साइट नंबर्स, हाँ, कोई नियरेस्ट ऑन साइट नंबर्स, एम्बुलेंस नियरेस्ट, या इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स, एम्बुलेंसेस गवर्नमेंट की 1298, ये करना है. ब्लीडिंग हुआ, कहीं भी ब्लीडिंग हुआ, अभी साइट से ब्लीडिंग हुआ, कोई भी साफ कपड़ा, उस टाइम के सबसे साफ कपड़ा, you can't debate ab mujhe clean gauze chahiye that point of naturally apna rumal ho scarf ho chunni ho any part dupatta ho chunni ho just tie it around wrap it around jahan bleeding ho wrap it around thoda sa position upar lena hai haath ka anti gravity again and okay. just mobilize to the hospital call the emergency number that's it wonderful Every heart attack on the road there are heart attacks coming like sudden heart attack ji people should know first aid
people should know BLS, basic life support. चार पांच स्टेप इतने इम्पोर्टेंट है कि यू कैन रिवाइव द हार्ट दैट पॉइंट ऑफ course, you know, basic CPR, cardiopulmonary resuscitation, but you do, people can actually live. I mean, you can give a life to somebody. Seriously, that's how important first aid is actually for all of us. First aid is very important. It's sounding like that, kya hai ye first aid? But you know, it is everything. Very, very important. Yes. I mean, this has to be both the extremes. Heart cutne se heart, because I was emergency head at Just Look Hospital, na, for 15 years. So, ye sara humare liye soch ka tha. जी, बस एक आखिरी सवाल है आपसे मैम कि फर्स्ट एड के बारे में हम और लोगों को कैसे अधिक से अधिक अवेयर कर सकते हैं और इसके लिए लोगों को और क्या करना चाहिए, ये जानकारी हम लोग कहाँ से पा सकते हैं, साधारण लोग इसके बारे में कैसे और जागरूक हो सकते हैं? टुडे टेलीमेडिसिन ने आई थिंक हल्ला बोल कर ही दिया है थैंक्स टू कोविड, एक वो जरिया हुआ, ऑनलाइन सेशंस कर सकते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट का, एडवांस तो काफी हो जाएगा बट बेसिक लाइफ सपोर्ट का कर सकते, वीडियो कॉल कर सकते, फेसबुक पे अवेयरनेस कर सकते, देयर आर सो मेनी मीडिया टुडे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आई मीन वी डोंट वांट टू मार्केट आवरसेल्फ, हमें मार्केटिंग नहीं करना है, हमें यहाँ प्योर अवेयरनेस करना है, राइट? जैसे बहुत सारे जागरूक डॉक्टर्स भी हैं जो लगातार YouTube पे या ऐसे MediCircle हमारी वेबसाइट है, हेल्थ से संबंधित जो जानकारियां नॉर्मली लोगों को मिलती हैं, हम थोड़ा समय अवेयर रहकर उनके बारे में फॉलो अप करना चाहिए, शायद और पढ़ना चाहिए इसके बारे में, सो आई थिंक विल बी मोर प्रिपेयर्ड. जी, मोर प्रिपेयर्ड, एंड एक पूरा एक टॉपिक को लेके सेमिनार करेंगे या अवेयरनेस बढ़ाएंगे, रियली पीपल विल एक बेसिक लाइफ सपोर्ट ही इंसान सीख लेना, तो हार्ट कट गया तो क्या करना है, वो सब तो आ जाता है, इट कम्स, इट्स एन इंस्टिंक्ट. इंस्टिंक्ट, यू नो, मेन हियर पॉइंट इज, मेनली हर पॉइंट इज अबाउट द बेसिक लाइफ सपोर्ट एज अ पर्सन, राइट? डू दैट, लाइक यू नो, सिंपल थिंग के हाई ब्लड प्रेशर है तो एक टैबलेट एंटी हाइपरटेंसिव विद डॉक्टर सुपरविजन दे दो, ये भी फर्स्ट एड है, यानी कि उसको ब्रेन स्ट्रोक ना हो जाए, पैरालिसिस ना हो जाए, यू नो, इफ यू हैव साइंस ऑफ स्ट्रोक, like जी. 2-3 signs of stroke hai, people can they can teach them online and they can understand ki slurring of speech hai, deviation of mouth hai, weakness ek part ka hua, but six simple steps pe window period jo miss hota hai apne country mein na, ki from door to needle time, wo agar ho jaye to bahut badi baat ho jayegi. जी, बहुत 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 शुक्रिया हमारे इस शो में आने के लिए, और आपने इतनी वैल्यूएबल चीजें बताई हमें, अपना इतना मूल्य समय. इट्स माय पैशन, इट इज माय पैशन फॉर जॉइनिंग अस हियर एट MediCircle. इट्स थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, हैविंग यू ऑन दिस शो, थैंक यू सो मच मैम. या थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, गॉड ब्लेस, बाय, थैंक यू, बाय बाय मैम.